Hello and welcome everyone. Now we are going to discuss the chapter 2, that is relevancy of fact. In this there is a topic character when relevant. The chapter 2 है, इसमें एक topic दिया हुआ है character when relevant. तो उसको आज हम discuss करने जा रहे हैं. तो जो section 52 से 55 हैं, वो इस chapter के अंदर आते हैं character when relevant के अंदर जो relevancy of fact chapter 2 है. तो जो भी कोई भी evidence जो character से character के regarding relevant होता है, तो वो evidence make weight evidence कहलाता है. कोई भी evidence जो character के purpose से relate हो रहा है, जो relevant हो रहा है, वो make weight evidence कहलाएगा. Section 52 की इसमें बात करी है, उससे पहले मैं आपको एक character term जो है इसको बता देता हूँ. character term का meaning क्या होता है. character term का मतलब होता है set of qualities which distinguish one person from another person. कुछ ऐसी क्वालिटीज जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, भिन्न करती है. मतलब जो क्वालिटी है वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है. तो अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी, उन दोनों का एक सेट बन रहा है. वो अच्छी हो बुरी हो, वो किसी एक पर्सन या दो पर्सन, जितने पर्सन है, उसके माइंड में आ रही है कि वो किस कैरेक्टर का व्यक्ति है. तो यहाँ पे वो सेट ऑफ क्वालिटीज होती हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती हैं. अब आप 652 की बात करेंगे, तो 52 में बात करिए इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इररिलेवेंट. कि सिविल केसेस में आप कैरेक्टर की कोई भी बात कहेंगे तो वो इररिलेवेंट होगी, कि ये बेकार व्यक्ति है, कि ये दयालु व्यक्ति है. ऐसा आप कुछ भी कहेंगे और सिविल केस चल रहा है तो वो इररिलेवेंट है. इस बात को कहने से वो एविडेंस आपका मेक वेट एविडेंस कभी नहीं बनेगा और वो इररिलेवेंट होगा. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable. अब ये दो टर्म आई है, probable और improbable. Improbable का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्सन को गिल्टी प्रूव कर देते हो कि आप गिल्टी हो, और probable का मतलब होता है कि आप गिल्टी नहीं हो. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है सिविल केसेस में जो कैरेक्टर के फैक्ट हैं जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, कि उस पर्सन को गिल्टी नहीं बनाना या फिर उस पर्सन को गिल्टी बनाना है. कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररिलेवेंट. तो उस कैरेक्टर का जो कैरेक्टर है, उससे आप उसको गिल्टी बनाना या गिल्टी मना करना कि वो गिल्टी नहीं है या गिल्टी है, कि वो एक दयालु व्यक्ति है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए, या फिर वो एक बहुत बेकार व्यक्ति है तो उसको सजा दी जाए, वो सिविल केसेस में इररिलेवेंट है. उसका सिविल केसेस में कोई काम नहीं है. सपोज मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो आप ये झगड़ा नहीं कह सकते कि इस ये तो जो पर्सन है ये कोई भी इसको जब बुलाता है तो ये टाइम पे नहीं पहुंचता है. तो इसके ये कैरेक्टर की आप जो बात कर रहे हो यहाँ पे, ये इररिलेवेंट है. इसके इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रिलेवेंट. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इसी सेक्शन में, कि अगर वो जो कैरेक्टर है वो ऐसा अपीयर होता है, वो अदर फैक्ट से, अदरवाइज जो फैक्ट, मतलब उस केस के फैक्ट से ना डील करते हुए, कोई और फैक्ट से डील करते हुए आपको लगता है कि इसका कैरेक्टर यहाँ पे बताना जरूरी है, तो वो रिलेवेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो इंश्योरेंस करवाते हैं अपने घर का, और इंश्योरेंस करवाने के 6 महीने के बाद ही उनके घर में आग लग जाती है और फिर वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं. अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लगता है बाद में कि ये लास्ट 5 सालों में इन्होंने 5 घर खरीदे और 5ों घरों का इंश्योरेंस करवाया, और 5ों घरों में 6 महीने बाद ही, खरीदने के इंश्योरेंस लेने के 6 महीने बाद ही आग लगती है और फिर ये इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं. तो यहाँ पे इस पर्सन के इस कैरेक्टर का एग्जांपल दिया जा सकता है, क्योंकि हर बार वो नया एक घर खरीदते हैं, उसमें फिर आग लगती है और फिर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं. तो यहाँ पे उनका कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमेशा जो घर खरीद रहे हैं और उसमें जो आग लग रही है, ये कोई अननेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से ही नहीं लग रही है, ये खुद ऐसा कुछ एक्ट करते हैं और ये लास्ट 5 साल से इसका पेमेंट लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का, और ये ऐसे पैसे कमाते हैं. तो ये जो एविडेंस है ये दिया जा सकता है, ये जो कैरेक्टर का जो एविडेंस होगा ये रिलेवेंट होगा और वो मेक वेट एविडेंस कहलाएगा. दूसरा सेक्शन है इसमें सेक्शन 53, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट. तो यहाँ पे बात करिए कि अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं ले, और आपसे जो क्राइम हो गया, तो उसके बाद आपका जो प्रीवियस कैरेक्टर जो था, कि आपकी जो क्वालिटीज थी, कि उस, तो उनको यहाँ पे रिलेवेंट माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने चोरी कर ली, तो अब चोरी जब कर ली आपने, तो आपका जो एडवोकेट है या फिर जो भी है, तो आप एक ये बात कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने आज से पहले कभी भी किसी शॉप पे गया हूँ तो
उस शॉप वाले ने अगर मुझे ज़्यादा पैसे भी दिए हैं तो मैंने उसका पेमेंट वापस कर दिया कि आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। और मैं किस जगह भी जाता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ घूमी हुई मिलती है, खोया पाया जो विभाग होता है, तो मैं उसमें जमा करा के आता हूँ या पुलिस स्टेशन में दे के आता हूँ। मुझे लास्ट टाइम ये ऐसा फ़ोन भी मिला था, इस फ़ोन को भी मैंने पुलिस स्टेशन में जमा कराया था। तो यहाँ पे मेरे गुड कैरेक्टर का एविडेंस मैं दे सकता हूँ। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड, तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है सिर्फ वही ये एविडेंस दे सकता है, जो दूसरी पार्टी है उसको तो देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही बेचारा प्रोसिक्यूशन है। तो जो एक्यूज्ड है उसको जब वो केस में फंसा जाया है, वो मतलब एक केस उसके अगेंस्ट में फाइल हुआ है, तो वो एक एविडेंस दे सकता है कि हाँ मैं एक अच्छी क्वालिटी अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति हूँ, गुड कैरेक्टर का व्यक्ति हूँ, तो वो रिलेवेंट होगा। फिर सेक्शन 53A है, ये 153A तो है जो अमेंडमेंट से आया है कि अभी 2013 में अमेंडमेंट हुआ था आफ्टर दो जो दिल्ली रेप केस जो हुआ था, निर्भया रेप कांड जो था उसके बाद ये अमेंडमेंट आए हैं। इन एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस, कि प्रीवियस आपका कैसा कैरेक्टर था या कैसा एक्सपीरियंस था, क्या सेक्सुअल एक्सपीरियंस है आपके, वो कहीं भी रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर 354, 354A, B, C, D and 376A, B, A, B, C, D, D, A, D, B, E ऑफ इंडियन पिनल कोड, मतलब ये जो 354 और 376 ये दोनों जो ऑफेंस हैं ये ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, ये ऑफेंस एक तरह से वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, ये 376 द रेप और ये क्रिमिनल इंटीमिडेशन और ऐसा कुछ जो सेक्शन अगेंस्ट मोलेस्टेशन इस टाइप की जो सेक्शंस हैं, ये वुमेन के अगेंस्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये सेक्शंस बात करते हैं। तो इनमें बता रखा है कि जो प्रोसिक्यूशन है मतलब जो यहाँ पे विक्टिम है उसके करेक्टर को और उसका प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस है उसकी रिलेवेंसी नहीं दी जाएगी, उसका रिलेवेंट होना नहीं, उसका जो होना है वो इररिलेवेंट है, नॉट रिलेवेंट मतलब वो इररिलेवेंट है कि वो पहले क्या थी, क्या काम करती थी, वो कैसे नेचर की है, कैसा करेक्टर है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो सब इररिलेवेंट होती है। ये एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है। और फॉर अटैम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, और अगर आपने कोई अटैम्प्ट करा है, अटैम्प्ट का मतलब जो सेक्शन 511 जो आईपीसी का है उससे डील करते हुए, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, और कंसेंट का जो क्वेश्चन है वो इशू में है कि क्या आप जब ये एक्ट कर रहे थे या आपके साथ ये एक्ट हो रहा था तो आपकी कंसेंट थी या नहीं थी। तो अगर कंसेंट का एक इशू बना हुआ है वहाँ एक कोर्ट में, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ विक्टिम और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस विथ एनी पर्सन शेल नॉट बी रिलेवेंट ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। तो उसके कंसेंट के अगर जो कंसेंट का क्वेश्चन है वो इशू में बना हुआ है तो उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस वो कोई काम का नहीं है, उसका कैरेक्टर कि वो कैसी है, कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, कि वो क्या है, वो ऐसा कोई भी कैरेक्टर उसका वैलिड नहीं है, वो इररिलेवेंट है यहाँ पे, ये सेक्शन 53A बात करता है। फिर सेक्शन 54 है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब यहाँ पे बात करी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये बोल रहा है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो नॉट रिलेवेंट मतलब वो इररिलेवेंट है एक्सेप्ट इन रिप्लाई, कि जब आप रिप्लाई दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, आप नहीं बता सकते। कैसे पढ़ते हैं इसको, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट। तो जो एक्यूज्ड पर्सन है यहाँ पे सिर्फ राइट एक्यूज्ड को, ऊपर वाले सेक्शन में राइट प्रोसिक्यूशन को, विक्टिम को, ये एक्यूज्ड को राइट है कि उसका जो बैड कैरेक्टर है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इररिलेवेंट है, अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर। अगर गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया जाता है इन विच केस इट बिकम्स रिलेवेंट। अगर गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा रहा है एक्यूज्ड का, कि सपोज मान लीजिए चोरी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो चोरी के एग्जाम्पल में बोल रहा है कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे पिछले साल एक फ़ोन मिला था, उस फोन को भी मैंने पुलिस थाने में जमा कराया है कि ये मुझे फ़ोन मिला है, तो मेरा तो अच्छा कैरेक्टर है। अब यहाँ पे जैसे ही एक्यूज ने अपने अच्छे कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया है तो दूसरी जो प्रोसिक्यूशन पार्टी अपोजिट पार्टी है उसके पास ये राइट आ गया है कि अब वो उसका बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे दे, तो अब वो बता सकते हैं कि जो लास्ट मंथ आपको एक घड़ी मिली थी आपके घर के बाहर, वो घड़ी तो आपने अपने पास रख रखी है,
तो मतलब ऐसा तो आपके आपका तो ये बैड कैरेक्टर शो हो रहा है यहाँ पे, तो आप चोरी भी कर सकते हो इसका मतलब, तो यहाँ पे उसका बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा रहा है। तो जब गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया जाता है तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस रिप्लाई में दिया जा सकता है। तो ये एक्सेप्ट इन रिप्लाई का मतलब यही है कि आप रिप्लाई में दे सकते हो बैड कैरेक्टर। इनिशियली आप ये नहीं कह सकते कि इसने ये चोरी करी है, जो ऑफेंस चोरी का इसके ऊपर लगा हुआ है, ये पहले भी ऐसा पर्सन है कि ये चोरी इतनी सारी करता है, इतने मर्डर करता है, ये बहुत बेकार व्यक्ति है, किसी कोई व्यक्ति इसके पास बात नहीं करता, कोई इसको मुंह नहीं लगाता, कोई बैठता नहीं है क्योंकि ये चोरी करता है, कोई दुकान वाले इसको काम नहीं देता, तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते जब तक कि गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाता। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। अब बैड कैरेक्टर ही इशू बन गया है, जैसे यहाँ पे कंसेंट का एक इशू बन रहा था कि उसकी कंसेंट थी या नहीं थी वो ऑफेंस कर वो जो एक्ट होता है उस टाइम, तो वैसे यहाँ पे अगर वो इशू बन जाए कि क्या वो पर्सन का कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, तो बैड कैरेक्टर का जो क्वेश्चन बन जाए कि उस पर्सन का बैड कैरेक्टर है या नहीं, अगर वही इशू बन जाए तो फिर बैड कैरेक्टर के एविडेंस तो देने ही पड़ेंगे। दोनों पार्टी देंगे कि बैड, एक पार्टी देगी बैड कैरेक्टर नहीं है जो बचाने वाली जो इसे अक्यूज की है, दूसरी पार्टी देगी कि ये तो बैड कैरेक्टर का व्यक्ति है। इसका दूसरा जो है एक्सप्लेनेशन वो बात करता है, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, कि अगर कोई पर्सन एक बार कन्विक्ट हो चुका है तो उसके बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए कि आप तो भैया बैड कैरेक्टर के हो, तो ऐसा एविडेंस दिया जा सकता है। सपोज मान लीजिए आप थेफ्ट के ऑफेंस में जेल चले गए, आपको कन्विक्शन हो गया, आप जेल चले गए, अब वापस जेल से जब बाहर आए तो फिर आपने वापस थेफ्ट कमिट कर दिया, तो यहाँ पे वो जो अपोजिट पार्टी है वो ये एविडेंस दे सकती है कि आप पहले भी एक बार जेल जा चुके हैं, तो प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट। तो ये एक तरह से दो एक्सेप्शन हो गए हैं इस सेक्शन 54 के। अब सेक्शन आता है 55, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। अब ये जो सेक्शन है इसमें दो तीन चीजों की ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले डैमेजेस की बात करिए, तो डैमेजेस मतलब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और फाइन। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते तो उसमें एक टर्म आता है डैमेज और ये होता है डैमेजेस। तो डैमेज मीन्स इंजरी और डैमेजेस मीन्स जो अमाउंट ऑफ फाइन है, जो कंपनसेशन है उस पर्सन को मिलेगा। तो ये उस फेज में ये बात करना चाह रहा है, कैरेक्टर इज अफेक्टिंग डैमेजेस, कि आपका कैरेक्टर कब आपके डैमेजेस को इफेक्ट करेगा। यहाँ लिखा हुआ है रेड विथ सेक्शन 12, कि सेक्शन 12 के साथ इसको रीड करना है, तो मैं पहले सेक्शन 55 बताऊंगा आपको, 55 पूरा होने के बाद हम सेक्शन 12 भी पढ़ेंगे जो इससे बिल्कुल इससे रिलेट करता है। तो सेक्शन 55 को शुरू करने से पहले मैं आपको दो टर्म, एक टर्म है रेपुटेशन जो यहाँ इस सेक्शन में ये लिखी हुई है, और दूसरी टर्म है डिस्पोजिशन, इन दोनों का मतलब बता देता हूँ। रेपुटेशन का जो मतलब होता है, रेपुटेशन एक फीलिंग होती है जो लोगों के मन में होती है, इन द माइंड्स ऑफ पीपल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। मतलब कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर तो एक सेट ऑफ क्वालिटीज है जो अच्छी या बुरी हो सकती है, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिस्टिंग्विश करती है। और रेपुटेशन क्या है, वो चीज जो लोगों के माइंड में होती है, और जो लोगों के माइंड में होती है उस पर्सन के लिए, और वो कैरेक्टर का जो उसका कैसा कैरेक्टर है उससे रिलेट करती होती है, कि ये अच्छा कैरेक्टर का है या बैड कैरेक्टर का, वो रेपुटेशन होती है। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो जो हम बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर खराब है या कैरेक्टर अच्छा है, लॉजिकली ये टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर एक सेट ऑफ क्वालिटीज होती है जो अलग करती है एक पर्सन को। तो हमें बोलना चाहिए कि इसकी रेपुटेशन अच्छी है और रेपुटेशन खराब है। और दूसरा टर्म जो है वो है डिस्पोजिशन। तो डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जो एक इंडिविजुअल को होता है किसी दूसरे पर्सन के कैरेक्टर के लिए, कि मुझे विश्वास है कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर खराब नहीं हो सकता, या फिर मुझे विश्वास है कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा ही है। तो ये एक विश्वास होता है, डिस्पोजिशन एक विश्वास है, और रेपुटेशन वो फीलिंग है माइंड में। तो अब हम सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन में लिखा हुआ है इन सिविल केसेस। तो पहले सिविल केसेस की बात करिए, द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव। तो सिविल केसेस में एक पर्सन का कैरेक्टर जो उसकी अमाउंट है डैमेजेस की उसको अफेक्ट करे, जो उसको मिलने वाला है, इज रेलेवेंट, तो वो रेलेवेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन सेक्शन, तो ऊपर के जो अभी हमने सेक्शन पढ़े, 52 में सिविल की बात कर रहा था, सिविल केसेस की, 53 में क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा है,
54 में बात कर रहा है कि क्रिमिनल बैड कैरेक्टर के एविडेंस कब देंगे, तो सिर्फ रिप्लाई में देने, और 55 की ये बात कर रहा है कि जब अफेक्टिंग डैमेजेस. द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन. मतलब ये है कि जहाँ जहाँ सेक्शन 52, 53, 54 और 55 दिए जाएँ, तो इन चारों सेक्शन में कैरेक्टर वर्ड रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन ये दोनों टर्म्स को इंक्लूड कर रहा है. तो रेप्यूटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड में जो लोगों के माइंड में फीलिंग होती है किसी पर्सन के लिए कि इसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो रेप्यूटेशन होती है. और डिस्पोजिशन एक बिलीव होता है, एक विश्वास होता है कि इसका कैरेक्टर तो अच्छा ही होगा. बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, तो सेक्शन 54 को यहाँ पे एक्सेप्शन बनाया है. एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन. अब ये जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन की बात आ गई, तो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन मतलब है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रहे, उनके माइंड में ये बात रहे कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा है, और बहुत सारे लोगों को ये बिलीफ रहे, ये विश्वास रहे कि इस पर्सन का कैरेक्टर अच्छा है, तो दैट इज जनरल डिस्पोजिशन. और जो पहले मैंने बताया वो जनरल रेपुटेशन जो लोगों के माइंड में है. एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन. और वो जो पर्टिकुलर एक्ट से आप नहीं कह सकते कि बस इस एक्ट को हमने देख लिया तो इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसका कैरेक्टर अच्छा है, उसकी डिस्पोजिशन के हमने विश्वास कर लिया इसके सिर्फ एक एक्ट से कि ये बहुत अच्छा होगा. इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सपोज मान लीजिए ए एक पर्सन है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. उन्होंने बहुत पढ़ाई करी क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से आते थे, रिजर्वेशन था नहीं, बहुत पढ़ाई करी. उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उनको एक आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिलता है. आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिलने के बाद उन्होंने 4 साल वहाँ बहुत पढ़ाई करी और उनको गूगल इंडिया में उनको पैकेज मिलता है, फिर दही सबसे पहला जो इनिशियल पैकेज मिलता है 12 लाख रुपए पर ईयर का, पर एनम. तो 12 लाख रुपए का इनको पर एनम का पैकेज मिल रहा है. ये दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं. अब इनके पास जब इनकम आ जाती तो इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी. अब ये मोटरसाइकिल से एक दिन ऑफिस जा रहे थे वन फाइन डे, तो एक BMW वाले ने इनके आगे पीछे से हिट किया और ये सडनली कॉलेप्स हो गए, अनकॉन्शियस हो गए और सडनली इनकी डेथ कॉज हो गई वहाँ पे. अब इनकी फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे, एक इनकी मदर थी, एक फादर थे और एक ये खुद थे. तो जो मदर और फादर थे उनकी एज हो गई है 70 ईयर्स नाउ, और इनकी जो एज है वो हो चुकी है 30 ईयर्स, लेकिन ये अभी भी अनमैरिड है. तो अब यहाँ पे कोर्ट ये देखेगा कि जो इनके मदर और फादर हैं ये अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, क्योंकि वो एक अकेले पर्सन थे, जो सोल पर्सन थे वो उनकी फैमिली के ब्रेड एंड बटर को अर्न कर रहे थे. अब यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है तो वो जो उनके मदर फादर है जिनकी अप्रोक्स 70 ईयर्स एज होने वाली है, अब वो क्या काम कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खुद का खर्चा चला सकें, वो इसके पे ही उस बच्चे पे ही डिपेंड है. तो यहाँ पे कोर्ट ये एसर्टेन करेगा कि कितना डैमेजेस मिलना चाहिए, कि आज अगर इसकी उम्र 30 साल है और इसका पैकेज स्टार्टिंग में 12 लाख था और आज इसका पैकेज 16 लाख है साल का, तो आने वाले टाइम में इसका 50 लाख हो जाएगा. और जब ये रिटायर होगा तो मान लीजिए इसका 70 लाख रुपए का पैकेज पे ही रिटायर होगा, कि 70 लाख रुपए साल की इनकी इनकम पे, 60 साल की जब एज होंगे तब रिटायर होंगे. तो कोर्ट ये सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए वो अमाउंट ऑफ जो पेमेंट होता है उसको वो पे करेगा, उसको वो डैमेज पे करेगा उनके मदर और फादर को, कि 70 लाख रुपए ये उस टाइम 60 की एज में कमाएंगे, तो अभी 60, अभी ये 30 की हैं तो अभी 30 साल और काम करेंगे, तो अगर हम मोटा मोटा लेके चलेंगे 15 लाख रुपए ये साल का कमाएंगे, 30 साल तक ये कमाएंगे, तो 45 करोड़ समथिंग इनका जो अमाउंट है वो ऐसा कुछ मिलना चाहिए. तो वो ये जो कोर्ट है ये डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ डैमेज मिलना चाहिए, कि 4 करोड़ या 4.5 करोड़ मिलना चाहिए कि 4 करोड़ मिलना चाहिए, वो उसके मदर फादर की कंसिडरेशन में इनको ध्यान में रखते हुए कि उनकी क्या स्टेटस है, और उस टाइप से उसका जो डैमेजेस है वो दिया जाएगा. अब सेक्शन 12 में बात करिए, इन सूट फॉर डैमेजेस, जब भी कोई सूट जो डैमेजेस के लिए होती है, फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रिलेवेंट. तो जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के लिए डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कितना अमाउंट देना चाहिए वो रिलेवेंट है. तो ये जो मैंने आपको भी एक फैक्ट बताया ये सारे केस के, ये रिलेवेंट होंगे. इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, तो कोई भी सूट जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, क्योंकि अब उनका जब केस चलेगा तो उसमें वो डैमेजेस जरूर क्लेम होंगे. एनी फैक्ट विच एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रिलेवेंट. तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो पर्टिकुलर कोर्ट को उस अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिफाइन कर रहा है या बताना चाह रहा है कि इतना अमाउंट होना चाहिए, इतना डैमेज मिलना चाहिए,
तो वो रिलेवेंट होता है. तो ये सेक्शन 12 है जो सेक्शन 55 से लिंक करता हुआ पड़ेगा. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.